हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो लिस्ट होता है फिटर वर्कशॉप में जो टूल इक्विपमेंट्स और साथ में उनमें जो यूज़ होने वाली मशीन्स होती है वो सारी की सारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर कराने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहे। सो फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि भी हमें फीटर होल्डिंग डिवाइस। तो देखिए, फीटर होल्डिंग डिवाइस क्या होते हैं, जिनमें कि आपके जो वर्क पीस होगा या फिर आपके जो टूल्स होते हैं इनको किसके द्वारा पकड़े जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं, उन्हें हम जो है फीटर होल्डिंग डिवाइस कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है बेंच वाइज। बेंच वाइज क्या करता है, आपके जो है जॉब को पकड़ने के लिए काम आता है, जिसपे कि हम फाइलिंग कर सके। तो ये बीच में से ये लीवर दिया रहता है, यहाँ से घूमेगा और बीच में फिक्स कर दिया जाएगा। देन इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पाइप वाइज। ठीक है, पाइप वाइज क्या होता है, तो पाइप वाइज जो होता है वो ये इस प्रकार से होता है जिसमें बीच में पाइप को फंसा के ऊपर से क्लैंप कर दिया जाता है, ये नीचे आ जाता है पोर्शन और इसको फिक्स कर दिया जाता है। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हैंड वाइज। तो हैंड वाइज क्या होता है, हैंड वाइज होता है कुछ इस प्रकार से। देखिए, यहाँ पर भी जॉब को फिक्स कर दिया जाएगा, देन इसके बाद में क्लैंप कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो होता है नेक्स्ट पॉइंट वो होगा हमारा मशीन वाइज, जो कि मशीन वाइज किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। मशीन वाइज में क्या होता है, इसमें भी ये पीछे लीवर रहता है, बीच में फिक्स कर दिया, ये बिल्कुल बेंच वाइज का ही एक सुधरा हुआ और बहुत ही अच्छा रूप होता है। ठीक है, इसके बाद होता है लेग वाइज। लेग वाइज में लीवर होता है लेकिन इसमें एक जो फिक्स कर दिया गया यहाँ पर है, और ये वाला जो पॉइंट होता है कौन सा, आगे वाला पोर्शन, यहाँ से ये आगे की तरफ मूव करके पीछे की तरफ फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, लीवर के द्वारा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लेथ चक। देखो, लेथ चक क्या काम क्या करता है, जो जैसे मान लीजिए कोई बार है, राउंडेड बार है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, बीच में डाल दिया जाएगा और इसको क्या है, फिक्स कर दिया जाएगा यहाँ पे एलन की के द्वारा। ठीक है, और इस तरीके से ये जो है जॉब को पकड़े रखता है। ये होता है थ्री जा चक, एक होता है फोर जा चक, जिसमें चार दाते होते हैं, जैसे इसमें तीन है वैसे उसमें चार होते हैं। इसके बाद में जो आता है लेथ टूल पोस्ट। टूल पोस्ट क्या करता है, जैसे नाम से पता चल रहा है वो है टूल को पकड़ेगा। तो जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ नीचे देखिए, यहाँ बीच में जो स्लॉट है यहाँ पर आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा रहेगा और ऊपर से इसको क्लैंप कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये टूल को पकड़े रखता है लेथ मशीन पर। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फिटर कटिंग टूल इक्विपमेंट्स। देखिए, यहाँ पर जो है फाइल दे रखे। देखो, फाइल का जो प्रकार होता है ना वो चार टाइप में क्लासीफाइड, मतलब वर्गीकृत किया गया है। वो किसके आधार पे, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है आपके कट के आधार पे, एक होता है लेंथ के आधार पे, एक होता है मटेरियल की ग्रेड, और जो चौथा होता है वो होता है आपके शेप के आधार पर। तो अगर आप कहेंगे तो मैं फाइल का एक कंप्लीट एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारी फाइल क्या काम आती है, कहाँ काम लिए जाती है, सब कुछ उसके अंदर कंप्लीट बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर में आपको कुछ जितनी मैं अवेलेबल करवा सकता था तो मैंने इसमें यहाँ पर दी है। जैसे एक राउंडेड बार है, देखिए यहाँ पर शेप के आधार पर दी गई है ना, एक है यहाँ पर स्क्वायर, एक है थ्री स्क्वायर, हाफ राउंड, फ्लेट वार्डिंग, नाइफ, ये चाकू जैसी होती है, हैंड क्रॉसिंग, क्रॉसिंग इस तरीके की होगी, है ना, बैरेट या फिर राउंड एज जॉइंट, है ना, स्लाइटिंग पाइप पिन, है ना। तो ये इस प्रकार से ये जो है शेप दे रखे हैं, तो इस तरीके की जो ये है फाइल्स होती है, ठीक है, शेप के आधार पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो वो होती है आपका हेक्सा ब्लेड। देखिए, हेक्सा ब्लेड कितने, ये जो होता है स्पेसिफाइड किया जाता है इनके लेंथ का आधार पर। जनरली इनकी होती है 300 mm जो होती है लेंथ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर भी इनकी ये कितनी मोटी है, ये कितनी पतली है, तो इस तरीके से इनका जो है और लेंथ पर जो दे रखा है वो यहाँ पर होता है कि भैया कैसी कैसी जो है हेक्सा ब्लेड होती है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है चीजल। ठीक है, चीजल क्या करता है, चीजल जो होगा वो इस तरीके से लोहे को काटना है या कोई भी माइल्ड स्प्ले या कुछ है तो वहाँ ऊपर को काट, किसी पोर्शन को काटना है, छः बीच में होल करना है, मतलब कटिंग करनी है, जो मटेरियल को आउटसाइड निकालना है, तो ये चीजल को ऊपर रख के और ऊपर से जो है इसके ऊपर स्ट्राइक किया जाता है हैमर से या किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो ये चीजल होता है। अब देखिए, चीजल भी कौन कौन सी होती है, थोड़ी देर में यहाँ बता देता हूँ। बेवल हेड चीजल इस तरीके का होगा, फिर दूसरा चीजल वो होगा फर्मर चीजल होता है, एक होता है पार्टिंग चीजल, ये पार्ट करने का काम होता है, एक होता है मोर्टिस चीजल, है ना, एक हो गया कि फर्मर गेज चीजल, एक होता है स्क्राइबिंग गेज चीजल। ठीक है, तो ये इस प्रकार की कुछ चीजल्स होती है जो हम फिटर शॉप में काम में लेते हैं। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो है ड्रिल बिट। देखिए, यहाँ बिट नहीं लिखा है लेकिन मैं ड्रिल बिट बता देता हूँ। ड्रिल मशीन में जो बिट काम में लिए जाते हैं उन्हें हम ड्रिल बिट कहते हैं, टूल इस्तेमाल होते हैं। तो ये देखो, कॉमन ड्रिल बिट कौन कौन से होते हैं, एक तो जनरल पर्पज़ के लिए ट्विस्ट ड्रिल बिट होता है जो कि आपने देखा भी होगा। देन इसके बाद में हो गया आपका स्पर पॉइंट जो कि वुड के लिए होता है, तो ये वाला एक ब्रिट हो गया। इसके बाद में होता है आपके मेसनरी, जिसमें कि स्टोन ब्रिक कॉन्क्रीट जिनमें छेद करना हो तो ये वाला बिट इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद होगा स्पेड बिट, लार्ज होल इन वुड, वुड के अंदर बड़ा अगर करना हो होल तो ये वाला बिट होगा। फिर इसके बाद में फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर
अटैचमेंट ड्रिल जो होता है वो इस प्रकार का होता है, और ये लास्ट जो है होल्स हो जिसमें कि वुड और प्लास्टिक में अगर बड़ा होल करना हो तो इस प्रकार का ड्रिल जो है काम में लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में देखिए ग्राइंडिंग व्हील। देखिए ग्राइंडिंग व्हील तो आपने कई तरह के देखे होंगे, काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं इनमें होता है आपका कई कई के तरीके के, देखिए इनकी इसकी थिकनेस कितनी, मतलब जो है ये व्हील जो है कितना मोटा है और ये एक जो है बिल्कुल ही पतले हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कई तरह के ग्राइंडिंग व्हील होते हैं। ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, कंप्लीट नोट्स है उसके ऊपर, जितने क्वेश्चंस बन सकते, पॉइंट्स बन सकते, उसका भी एक वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आपको जो है ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है आपका रीमर है। देखो रीमर क्या काम करता है, रीमर भी जो है होल बनाने के लिए काम में लिया जाता है, प्लस माइनस में चलता है। तो छोटा होल करना हो, बड़ा होल करना हो, उस हिसाब से रीमर का इस्तेमाल किया जाता है। रीमर एक टूल होता है रीमिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है हैंड रीमर, ये हैंड रीमर होता है। दूसरा रीमर जो होता है वो मशीन रीमर होता है, ये मशीन रीमर मशीन में काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो है ये आपका चकलिंग रीमर होता है, ये चकल करने के लिए काम, मतलब है ना। और एक जो हो गया आपका फ्लूटिंग रीमर इस तरीके का होता है। और ये जो हो गया एक एक्सपेंडिंग रीमर जो होता है, एक्सपेंडिंग रीमर इस तरीके का होगा। और लास्ट जो होता है वो होगा एडजस्टेबल रीमर, जो कि आपके एडजस्ट करने के लिए काम लिया जाता है। ये टाइप ऑफ द रीमर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है वो होता है बोरिंग टूल। बोरिंग टूल क्या होता है, जैसे आप ड्रिल करते हो तो एक छेद होता है, उस छेद को अगर बड़ा करना है तो उसको हम बोरिंग टूल कहेंगे। फिनिशिंग करना है तो ये जो आपको होता है बड़ा फिनिशिंग करने के लिए कई तरीके के प्रोसेस काम में लिए जाते हैं। तो बोरिंग टूल जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के रहते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े बोल होल करने हो तो यहाँ पर बोरिंग टूल इस तरह से इस्तेमाल में लिए जाते हैं। इसके बाद में काउंटर बोरिंग टूल जो करते हैं, काउंटर टाइप करते हैं, तो ये तीन तरीके के यहाँ पर मैंने आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, ये काउंटर बोरिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। तो अब जो होता है काउंटर सिंकिंग, देखिए जहाँ पर होल कुछ इस तरीके के करने हैं तो ये जो होता है सिंकिंग प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो होगा ये आपके, ये देखिए जैसे जैसे इनके हेड है उस हिसाब से इनका हेड बड़ा भी होता जा रहा है, तो वैसा वैसा इनका जो है सिंकिंग होल बड़े भी हो जाएंगे, फिनिशिंग भी हो जाएगी। ठीक है, अब जो है हमारा स्पॉट फेसिंग टूल, जिसमें कि हम क्या करते हैं ड्रिल होल जो होता है, तो ड्रिल की हुई जो सतह होती वो और होल के जो किनारे होते हैं उनको स्मूथ करते हैं और स्क्वर्टिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम स्पॉट फेसिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब जो होता है नेक्स्ट पॉइंट वो होता है टेपिंग टूल। जो टेपिंग टूल होते हैं वो कुछ इस प्रकार के तीन टाइप के हो जाते हैं, जिसमें एक तो आपका बॉटमिंग टैप होता है बॉटम के लिए, एक होता है प्लग टेप प्लग, और एक होता है टेपर टेप। ठीक है, अब देखिए बॉटमिंग टैप में क्या क्या होती है, आपके एक से लेकर 1.5 टेपर्ड थ्रेड होती है इस तरीके की, और जो आपके प्लग टेप होती है जिसके अंदर 3 से 5 टेपर्ड थ्रेड्स होती है वो इस तरीके की होती है, और एक होती है प्लग टेप के अंदर 3 से 5 टेपर्ड थ्रेड होती है, और एक जो होगा आपके टेपर टेप में जो कि 8 से 10 टेपर्ड थ्रेड्स होती है। तो इस प्रकार से ये तीन तरीके की जो है हम टेपिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशंस में। अब देखिए यहाँ पे डाई की बात की गई है। देखिए डाई कौन से होते हैं, डाई होते हैं आपके ये वाले जो शेप्स होते हैं रिंग्स टाइप, है ना, और ये होता है टेप, तो इससे आप थ्रेड काट सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये इस तरीके की होती है जो कि थ्रेड काटने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है कटिंग प्लायर। देखिए कटिंग प्लायर तो कई तरीके के होते हैं, आप कहेंगे तो मैं कंप्लीट आपको प्लायर्स की एक लिस्ट इस पर अवेलेबल करवा दूंगा, जिसमें कि आपको जितने भी प्लायर होते हैं कौन सा प्लायर क्या काम आता है इस तरीके का एक वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता के अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ जो है अब जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो हो जाता है हैंडसॉ। हैंडसॉ तो आपने देखा होगा, एक जो लकड़ी से जो भी फर्नीचर बनाया जाता है वहाँ पर ये बहुत काम आती है, आरी भी बोलते हैं हम। ठीक है, इसे हैंडसॉ कहते हैं। और अब जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है मिलिंग कटर। देखिए मिलिंग कटर भी कई तरह के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होगा आपका रफिंग एंड मिल, ठीक है, है ना, और दूसरा हो गया स्लेब मिल कटर, तीसरा हो गया एंड मिल कटर, चौथा हो जाएगा बॉल मिल कटर और हॉलो मिल कटर, इसके बाद में हो गया वुड रफ कटर, एक हो गया आपके थ्रेड मिल कटर, एक फ्लाई कटर, फेस मिल कटर और इन्वोल्यूट गियर कटर, एक होता है हॉबिंग कटर, एक जो है आपके डोवटेल कटर होता है इस तरह का, और एक जो होता है स्लाइडिंग एंड फेस कटर। देखिए कई तरह के मिलिंग कटर होते हैं जो कि मिलिंग मशीन में जो है टूल के तौर पर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से जो है टूल हो जाते हैं, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो होगा आपके वो हो जाता है आपका मिलिंग कटर। अब जो नेक्स्ट हो जाता है वो होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये आपके लेथ मशीन में काम में लिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, जो कि आपके बार के ऊपर जो है चिप्स निकालता है राउंडेड, ठीक है, तो इस तरीके से। और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, आगे की तरफ घूमता है और जहाँ जो मटेरियल रहता है वो रिमूव होता चला जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है वो होगा हमारा
वर्कशॉप नाइफ। देखिए ये तो आपको पता ही है, वर्कशॉप के अंदर हमको कई बार नाइफ की ज़रूरत पड़ जाती है कुछ भी काटने करने के लिए छोटा मोटा, तो वहाँ पर जो है यहाँ पर ये हम इन नाइफ्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं एक्स की। फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स की जब बात की जाती है तो एक्स देखिए इनके कई पार्ट्स होते हैं जो कि आमतौर पर हमें पता नहीं होता है लेकिन क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए एड्स जो एक्स होती है, तो एक्स के अंदर देखिए ये जो है एक पोर्शन ये हो गया आपका कटिंग एड्ज। क्या हो गया? कटिंग एड्ज एक हो जाता है यहाँ पर। जो दूसरा ये एड दे रखा है ये आपका सेकेंडरी बेवल, ठीक है। इसके बाद भी ये जो पॉइंट है लास्ट कॉर्नर वाला ये होता है हील और बिट। इसके बाद में ये जहाँ पे शेप दे रखी है इसे बोलते हैं बियर्ड। इसके बाद में ये जो पोर्शन रहता है मेन बॉडी टाइप जैसा ये होता है चिक, और एंड पर जो रहता है वो होता है आई, और इधर ऊपर की तरफ जो रहता है इसको बोलते हैं पोल, और इधर कॉर्नर पे जो इस तरह से दे रखा है ये पोर्शन ये आपको लेग लग बोलते हैं, और ये जो आपका हत्था रहता है तो हक्के का ये जो हिस्सा रहता है इसको बोलते हैं शोल्डर, बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं बैक ऑफ हैंडल, ठीक है। और लास्ट जो कॉर्नर रहता है हत्थे का वो रहता है नॉब, ठीक है। और इस पोर्शन को जो बोलेंगे हम यहाँ पर बोलेंगे थ्रोट ऑफ हैंडल, ठीक है, थ्रोट बोलते हैं। इसी के साथ में जो ये कम्प्लीट पार्ट्स हो जाते हैं इसके एक्स के जो कि हमें नहीं पता होता है, ये जो है हैंडल हो जाता है ये वाला पोर्शन, और ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं हेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे पार्ट्स मैंने कवर करा दिए। अब अगला पॉइंट जो हो जाता है हमारा फिटर स्ट्राइकिंग टूल्स, हैंड टूल्स, ठीक है। स्ट्राइकिंग मतलब किस किस से, जैसे हैमर हथौड़ी ये जो भी है, मतलब किस कौन कौन से टाइप के हैमर होते हैं वो सब हम इसमें कवर करेंगे। तो क्लो हैमर, तो देखिए ये क्लो हैमर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, जिसका एक सिरा तो होता है काटने वाला लगाने वाला और एक होता है स्ट्राइकिंग जैसा, ठीक है, आपने देखा ही होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है बॉल पिन हैमर, जिसमें कि आपके बॉल पिन हैमर के अंदर जो एक पोर्शन रहता है ये बॉल, और ये दूसरा जो रहता है वो फ्लैट टाइप रहता है, और ये हैंडल हो गया इसका। इसके अलावा जो एक नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है वो होता है हमारा क्रॉस एंड स्ट्रेट पिन हैमर। देखो यहाँ पर ये क्रॉस जैसी आकृति बनती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको जो बोला गया है क्रॉस एंड स्ट्रेट पिन। देखिए लास्ट वाला पोर्शन जो है ये स्ट्रेट है लेकिन ये यहाँ पर क्रॉस जैसा बनता है, ये बीच में से ये पॉइंटर हो गया है ना जहाँ से स्ट्राइक किया जाता है, और ये पोर्शन आपका हो जाता है यहाँ पे क्रॉस टाइप, इसलिए इसको क्रॉस एंड स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है क्लब हैमर। क्लब हैमर कुछ इस तरीके का होगा जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, कि भी ऊपर हत्था रहेगा, मतलब ऊपर तो मेन तो रहेगा पोर्शन हैमर, और एक जो होता है हत्था होता है, ठीक है, प्लास्टिक जैसा। अभी ये होता है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर इनका जो हत्था रहता है वो काफ़ी लंबा रहता है, और जो पोर्शन रहता है ऊपर हेड का वो छोटा रहता है। सिक्स पॉइंट जो होगा वो होता है जॉइनर्स हैमर। जॉइनर्स हैमर कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सेवन्थ पॉइंट जो होता है वो होगा हमारा सॉफ्ट फेस्ड हैमर और लेथ। तो ये जो काम में लिया जाता है सॉफ्ट फेस, मतलब कि किसी की भी थपिंग करना, थप करना ना दबाना, तो वहाँ पे जैसे मिट्टी को थपाना या कुछ भी ऐसे इस तरीके के हैमर काम में ले लिए जाते हैं, तो ये होता है आपका सॉफ्ट फेस्ड हैमर, इसको लेथ हैमर भी बोलते हैं। और एट्थ पॉइंट जो होता है वो होता है ब्लॉकिंग हैमर। ब्लॉकिंग हैमर कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है आपका ब्लॉकिंग जो कि ब्लॉक कर देता है, ये देखिए यहाँ से फ्लैट सर्फेस है, ये ऊपर जो है वो राउंड सर्फेस है, और ये जो है इसका हत्था हो गया, इस तरीके का रहता है। नाइन्थ जो होता है वो होता है जियोलॉजिस्ट पिक हैमर। जियोलॉजिस्ट पिक हैमर जो होता है वो इस तरीके का होता है, ये कुछ दातली जैसा होता है, ठीक है, ऊपर का पोर्शन ऐसे रहता है आगे की तरफ निकला रहेगा और ये हैंडल हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट होता है वो होता है प्लानिशिंग हैमर। प्लानिशिंग हैमर कुछ इस तरीके का होता है, जो ये प्लानिशिंग के लिए इस तरह का ये कुछ मशीनी टाइप होता है, ठीक है। इसके बाद इलेवंथ जो होगा वो रूफर्स हैमर होगा। रूफर्स हैमर जो होता है वो कुछ इस तरीके का शेप आपको दिखाई देता है, इसमें कट शेप जैसा भी कुछ होता है, ठीक है, रूफ के लिए काम में लिया जाता है। अब जो नेक्स्ट हो जाता है वो होता है स्केलिंग हैमर, जो कि ये स्केलिंग हैमर इस तरीके का होगा, ठीक है। और अब जो है नेक्स्ट वो होता है स्कर्च हैमर, ठीक है। स्कर्च हैमर जो रहता है इधर भी पत्ती निकली रहेगी इधर भी रहेगी, ये इसको पकड़े रखेगा और ये इसका हैंडल हो जाता है, इस तरीके का होता है। अब जो होता है अप हॉलिस्टरी हैमर, जो कि कुछ इस तरीके का शेप में बना रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो होता है ब्रिक एंड मोर्टर हैमर जो होता है वो यहाँ इस तरीके का होता है। देखिए ऑलमोस्ट सबके हैमर के जो शेप्स रहते हैं ना कुछ कुछ के, वो एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा हैमर क्या है। अगर आप कहेंगे तो हैमर की जो टूल लिस्ट बनाई है मैंने ये वाली, इसके साथ में इनके कहाँ पर क्या उपयोग रहता है उसका भी मैं वीडियो आपके लिए बना के अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। अब जो 16 पॉइंट हो जाता है वो होता है ड्राई वॉल हैमर, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, देख सकते हैं आप। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है वेल्डर्स हैमर, जो कि वेल्डर जो पोर्शन होता है, मतलब वेल्डर्स जो इस्तेमाल करते हैं हैमर का वो होते हैं ये वाले,
तो यहाँ पर देखिए इसका, देखो ये एक एक सिरा तो नुकीला होगा, एक सिरा जो ये कटने वाला होगा, काटने जैसा होता है, और ये इसका हैंडल हो जाता है। ये वेल्डर शॉप के लिए काफ़ी काम में लिया जाता है, ठीक है, वेल्डर इस्तेमाल करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिशियन हैमर, ये मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाल दिया इसमें कि सारे हैमर यहाँ पर मुझे कवर कराना है, तो स्ट्राइकिंग में ये भी हो जाते हैं। तो ये जो हो गया, ये इसका भी एक सिरा तो गोल हो गया, एक तरफ जो ये कट, ये तो आपने देखा भी होगा है ना, घरों में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है या फिर, है ना। इसी के साथ में होता है 19 पॉइंट ब्लैक स्मिथ हैमर, ठीक है, जो कि लोहार जो होते हैं वो इन्हीं हैमर्स का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके का होता है। तो अब जो 20 है वो है हमारा बुशिंग हैमर। बुशिंग हैमर भी कुछ इस तरीके का रहता है, इसमें दांत निकले रहते हैं, एक तरफ जो है फ्लैट सरफेस रहती है और ये हैंडल होता है, ठीक। लाइनमैन हैमर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, लाइनमैन इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है वो होता है चेसिंग कैसिंग हैमर जो होता है, वो कुछ इस तरीके के होते हैं, बीच का पतला सिकड़ा हिस्सा रहता है, लास्ट में जो पॉइंट होता है वो काफ़ी मोटा होता है, शुरुआत में थोड़ा मीडियम नॉर्मल रहता है, और ऊपर इस तरीके का ये हेड लगा रहेगा, ठीक है। अब जो हो गया टूल मेकर्स हैमर जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, टूल मेकिंग के लिए काम में लिए जाते हैं, मशीनरी शॉप में, ठीक है। इसी के साथ में जो 24th हैमर जो है वो होता है रेल रोड स्पाइक मॉल हैमर जो होते हैं, वो रेल्स के वहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला हैमर होता है। हैचेट हैमर जो होता है वो कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है, एक पॉइंट बॉल पॉइंट जैसा रहता है और दूसरा जो है वो कटिंग एक्स जैसा रहता है, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट आपका होता है ट्रिम हैमर, जो कि ट्रिम करने के लिए काम में लिया जाता है किसी भी मटेरियल को, यह क्या है तो वहाँ पर जो है ये देखो आगे के इसके बीच में जो ये कट लगा रहता है, यहाँ पर एक बॉल जैसा रहता है और ये हैमर हो जाता है। इसी के साथ में जो आपका पिटन हैमर जो होता है वो कुछ इस तरीके का लुक आता है। अब एक होता है पावर हैमर, पावर हैमर जो होता है वो कुछ इस तरीके की मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे ये पावर हैमर काम में लिया जाता है। और वुड हैमर की जो बात करते हैं वो मैलेट होता है, मैलेट का आपने देखा ही होगा कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है, इसको हम वुड मैलेट भी बोलते हैं और वुड मैलेट भी बोलते हैं। इसी के साथ में जो नेक्स्ट 30 जो लास्ट है वो है हमारा मेटल मैलेट जो होता है। देखिए मैलेट का आपने हथौड़ा इस्तेमाल देखा ही होगा, घर में भी करते हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके स्ट्राइकिंग टूल्स। अब जो है 31st हो गया वो हो गया प्लास्टिक हैमर, कुछ इस तरीके के रहते हैं, थपथपाई के लिए काम में लिए जाते हैं। इसी के साथ में नायलॉन हैमर होता है, इसका जो पोर्शन होता है हेड वो नायलॉन का बना होता है, ये हैमर हो गया, ठीक है। अब लास्ट जो मैंने यहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी डाली है एनविल की, तो एनविल क्या होता है, इसके ऊपर जो है हम जॉब को रख के जो उसके ऊपर स्ट्राइकिंग करते हैं, तो ये जो होता है इसको सपोर्ट देने के लिए या फिर इस पर कुछ शेप्स भी कट रहते हैं तो कुछ शेप्स को काटने के लिए भी काम में लिया जाता है, तो ये एनविल हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है आपके फिटर मार्किंग टूल्स कौन से होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मार्किंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, एक तो स्क्राइबिंग हो जाएगा, स्क्राइबर जो कि देखिए ये पॉकेट स्क्राइबर इस तरीके के होते हैं, नाइफ एज स्क्राइबर इस तरीके होता है, डबल एंडेड स्क्राइबर जैसे ये सिरा भी हो जाता है, एक होता है मशीन स्क्राइबर कुछ इस तरीके के होते हैं, तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पे इमेज आपका कंप्लीट होता है स्क्राइबर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होता है वो होता है पंचेस, तो पंच क्या काम होता है, पंच एंड डाई अपन बोलते हैं, तो एक तो डाई का इस्तेमाल करते हैं, एक तो पंच, तो पंच देखिए कौन कौन से होते हैं, सेंटर पंच, प्रिक पंच, स्टार्टिंग पंच, पिन पंच, अलाइनिंग पंच एंड हॉलो शैंक गैसकेट पंच। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे डॉट लगाना हो है ना, तो ये इस तरीके के पंचेज जो होते हैं ना वो हम फिटर शॉप में जब भी जॉब कंप्लीट होता है तो कंप्लीट करने से पहले मतलब जो मार्किंग की जाती है तो वहाँ पर हम इनका पंच का इस्तेमाल करते हैं, जनरली आपका सेंटर पंच काम में लिया जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक होता है पार्शियन ब्लू, ये आप नीला थोथा बोलते हैं इसको, ये भी जो है मार्किंग के लिए काम में लिया जाता है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट जो होते हैं फिटिंग टूल्स इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कैटेगरी रखी है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स कुछ इस तरीके का होता है जिसमें हम जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सबके सब इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है वो होता है स्पैनर्स। देखिए स्पैनर्स कई टाइप्स के होते हैं, जिसके नाम मैं आपको बता देता हूँ, डबल बार और साथ में व्रिंचेस भी है, तो मैंने इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया है। तो एक तो होता है डबल बार कॉच व्रिंच, ठीक है, एक होता है एडजस्टेबल रैचेट स्पैनर, एक होता है आपका क्रोकोडाइल पाइप व्रिंच, एक हो जाता है आपका बडिंग और मोट महन स्पैनर, नाम बड़े बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं। एक होता है चेन पाइप रिंच होता है, एक होता है पाइप रिंच हो जाती है कुछ इस तरीके का, इसका मैंने एक फ्री हैंड स्केच भी बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा वीडियो है, देखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में जो है चेन पाइप रिंच हो जाता है इस तरीके से, एक होता है आपका एग्रीकल्चरल रिंच हो जाता है, एक होता है रेल रोड रिंच हो जाता है, ये एस रिंच होता है, ये जो होता है आपका की मॉडल रिंच होता है। इसी के साथ में जो है साइबर स्पैनर हो जाता है, देखिए कई टाइप्स के होते हैं ये, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको और
बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखिए अब जो है था आपका पाइप रिंच हो गया, एक यहाँ पर जो पैरेट नोज पाइप रिंच हो जाता है, बाइसिकल रिंच होती है, ठीक है, एक जो होता है कॉम्बिनेशन रिंच हो जाता है, यहाँ पे फिश बोल्ट स्पैनर हो जाता है, एक जो होता है कॉफ रिंच और एक्सल हैमर भी स्पैनर भी हो जाता है, इसी के साथ में ऑफसेट स्पैनर होता है, इंजीनियर्स रिंच होता है, एक सॉकेट रिंच होता है, एक वायरलेस में, तो इस तरीके से कई सारे तरीके के जो होते हैं आपके रिंचेज एंड स्पैनर्स होते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपको बहुत ही आज पता चल गया कि स्पैनर और रिंचेस कितने टाइप के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है प्लायर दे रखे हैं, ये बहुत सारे प्लायर होते हैं, इनके में अगर आप कहेंगे तो मैं प्लायर का एक कंप्लीट लिस्ट जिसमें नाम से आपको कौन सा प्लायर और उनके क्या यूज़ है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वो सब के सब मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसी के साथ में अब जो बात करने हैं हमको वो है फिटर वर्कशॉप मशीन्स की। तो इसमें फिटर वर्कशॉप मशीन में कौन से, एक तो लेथ मशीन बहुत ही फर्स्ट, ठीक है, इसी के साथ में थोड़ा जो होता है एक आपका ड्रिलिंग मशीन होता है, ड्रिल मशीन के कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ चलो कि लेथ मशीन के अंदर कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका हेड स्ट्रोक, ये होता है टेल स्ट्रोक, ये यहाँ पर कैरेज होता है और एक बेड रहता है, ठीक है, यहाँ पर ये टूल पोस्ट लगा रहता है, यहाँ पर ये चक लगा रहेगा, ठीक है, और ये होता है आपका एक यहाँ पर बार होती है, ठीक है फ्रेंड्स, अभी मेरे को इसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये जो होता है इसके ऊपर एक में थ्रेड कटी होती है, ठीक है, स्क्रू होता है, और ये जो रहता है ये आपके व्हील्स दिए होते हैं जो कि इसको क्रॉस स्लाइड कराने में, स्ट्रेट स्लाइड कराने में बहुत ही काम में लिए जाते हैं, तो इस तरीके से काम में ली जाती है लेथ मशीन, ठीक है। अब जो बात करते हैं ड्रिलिंग मशीन की, तो ड्रिल मशीन क्या काम करती है, देखिए यहाँ पे ड्रिल बिट लगा हुआ है, जैसा कि जैसा यूज़ वैसा जैसा काम है उस हिसाब से ड्रिल बिट लगा दिया, यहाँ पे ये ड्रिल चक लगा हुआ है, चक पकड़ने का काम करता है, हैंडल व्हील हो गया, हैंड व्हील जिससे कि घुमाया जाता है, ये पोर्शन ऊपर नीचे हो जाता है, देन इसके बाद में ये बेस होता है, ये होता है पिलर टाइप ड्रिल मशीन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, और ये जो होता है एक स्टैंड उसको बोलते हैं हम पिलर, जिसके ऊपर ये सारा का सारा बार पे टिका होता है, और ऊपर जो लगी होती है ये पुली होती है, तो इस तरीके से ये जो है एक पिलर टाइप ड्रिल मशीन होती है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट होता है वो होता है आपके ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग मशीन, तो ये भी कितने टाइप्स की होती है, एक तो बेंच ग्राइंडर होती है, एक ग्राइंडिंग कम पॉलिशर होती है, एक पेडस्टल ग्राइंडर वाली होती है, एक हो जाता है ड्रिल कम एच एस एस टूल बिट ग्राइंडर, मतलब इसके साथ में ड्रिल तो करेंगे सही, इसमें एच एस एस टूल बिट ग्राइंडर भी फिट होता है, तो दोनों तरीके का काम कर लेती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है, ठीक है, ये भी एक ग्राइंडर का काम करती है, देखिए यहाँ पर, और एक जो, तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है ग्राइंडिंग मशीन नहीं है, यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रिक मोटर का, और एक जो होता है बेंच माउंटिंग बेल्ट ग्राइंडर जो होता है वो कुछ इस तरीके का रहता है। तो इस तरीके से जो होता है ये ग्राइंडर हो गया आपका, हैंड ड्रिलिंग मशीन जो होती है वो कुछ इस तरीके की रहती है, देख सकते हैं आप, है ना, एक तो मेटल में होल करने के लिए होती है और एक होती है दीवार में होल करने के लिए, ठीक है, और ऐसी कई तरीके की जो होती है ड्रिल मशीन काम में ली जाती है, तो लकड़ी मेटल दीवार सब जगह अलग अलग तरीके की जो है ड्रिलिंग मशीन काम में ली जाती है। एक होता है शेपर मशीन, ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, शेपर मशीन जो होती है इंजीनियरिंग वर्कशॉप में इस्तेमाल होती है, फीड हैंड व्हील होता है, टूल हेड हो जाता है, एक आपका क्लैपर बॉक्स हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये ऊपर का पोर्शन टूल हेड होता है और ऊपर जो एक ये व्हील लगा रहता है इसको बोलते हैं फीड हैंड व्हील। एक होता है टेबल जहाँ पर कि जॉब रखा रहेगा, है ना, फिक्स होगा, इसमें टूल जो होता है वो मूव होता है लेकिन जॉब फिक्स रहता है, इस मशीन की ये खासियत है। अब ड्राइविंग पिलफाई जो होते हैं वो पीछे रहता है सर्कुलर टाइप, एक होता है क्रॉस फीड जो कि यहाँ पर दिया रहता है, एक यहाँ पर जो ये पोर्शन दिया है इसको बोलते हैं एलिवेटिंग स्क्रू, ठीक है, तो ये जो होता है पार्ट्स ऑफ द शेपर मशीन होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में एक और एडवांस मशीन जो कि प्लानर मशीन होती है, प्लानर मशीन में ये पोर्शन जो होता है आपका है टूल हेड हो जाएगा, ये जो होगा ये आपका टेबल हो जाएगा, बेड हो जाता है, यहाँ पर ये क्रॉस रेल होती है और यहाँ पर ये कॉलम लगा होता है, तो इसे प्लानर मशीन कहते हैं, ठीक है, प्लानिंग करने के लिए। और इसी के साथ में जो एक जो मिलिंग मशीन होती है इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ द मशीन्स, ठीक है, इसमें सारे काम कर सकते हैं आप मिलिंग मशीन से, टाइप ऑफ द मिलिंग मशीन जिसमें कि आपका वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन होती है, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन होती है, और एक होता है रोटरी मिलिंग मशीन, कुछ इस तरीके का इनका आउटलुक होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये लिस्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स।